ये सफाई खाना पूर्ति हो रही है, जेसीपी नाल कोई सफाई नहीं होंगी। आम जमींदार जिहड़ा अगे तक जमींदार उहदे तक पानी नहीं पुजदा। तो मैं इहो अनुरोध करांगा कि जिहड़ी सफाई है ठीक ढंग नाल होनी चाहीदी है। नहरों की सफाई के नाम पर इस बार भी किसानों से जो है वो धोखा हो रहा है। सिंचाई विभाग दोबारा नहरों की सफाई तो करवाई जा रही है, लेकिन सफाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति जो है वो की जा रही है। मैं आपको कुछ विजुअल दिखाने जा रहा हूँ विजयपुर और रामगढ़ क्षेत्र की नहरों की, कि नहरों की क्या हालत है, वो किसी से छिपी नहीं है। और जिस तरीके से सिंचाई विभाग द्वारा नहरों की सफाई की जा रही है, और जो ठेकेदार है वो जेसीबी मशीनों के साथ नहरों की सफाई कर रहे हैं, सफाई की बजाय नहरें जो हैं वो जगह जगह से टूट रही हैं, और सही तरीके से नहरों से गंदगी मलबा मिट्टी भी नहीं निकल पा रही है। और जो मिट्टी मलबा व गंदगी निकाल रहे हैं वो नहरों के किनारे जो है वो छोड़ी जा रही है, और जब बारिश होती है वही गंदगी मिट्टी दोबारा नहरों में पड़ती है और नहरें दोबारा जो है भर जाती हैं व जंगल का रूप जो है वो धारण कर लेती है। मैं आपको बता दूं कि अगर नहरों की बात करें तो नहरों की सफाई के नाम पर हर वर्ष किसानों से जो है वो धोखा होता है, और सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है सफाई के नाम पर, और जब नहरों में पानी छोड़ा जाता है तो पानी जो है टेल एंड तक नहीं पहुंचता, और नहरों में से पानी जो है ओवरफ्लो होकर बेकार बहता है, और किसानों को जो है भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जब विशेषकर उन्हें सिंचाई जल की ज़रूरत होती है, सिंचाई जल की किल्लत को किसान जूझते हैं, तो उन्हें नहरी पानी जो है वो नहीं मिलता। मैं रविंदर कुमार, विलेज करालियाँ। मैं एक अनुरोध करना कि जिहड़ी नहरां दी सिंचाई विभाग है ये सफाइयां करदा पिया, जेसीपी नाल सफाई करदे पे, सरकार फंडिंग कर रही है, ये सफाई खाना पूर्ति हो रही है, जेसीपी नाल कोई सफाई नहीं होंदी। आम जमींदार जिहड़ा अगे तक जमींदार उहदे तक पानी नहीं पुजदा। तो मैं इहो अनुरोध करांगा कि जिहड़ी सफाई है ठीक ढंग नाल होनी चाहीदी है, ताकि आने वाले टाइम च जो गर्मी पानी की लोड़ बननी है जिमीदार तक पानी पहुँच सके। ये खाना पूर्ति वाला जो काम है ये अच्छा नहीं है। मैं सरकार अगर अपील करना कि ये पर गौर कर, ताकि सफाई ठीक ढंग ना लवे और आम फार्मर की पानी पहुँच सके। पिछले साल भी ऐसा होया, हूँ भी तुम जाकर मौके पर देख लो कि जेसीपी नाल करते पे, कोई ठीक ढंग की सफाई नहीं है, पानी मतलब कि जा ही नहीं सकता। जो तो पानी उन्होंने पूरे सफाई तौर पर भेजना है कि पानी सफाई हो गई है, तो पानी हो गया कई जगह नहरें टूट जाती, फार्मर तक पानी नहीं पुजता, तो समस्या हर साल आवे दी है। इस साल तुम तहकीकात करके देख लो कि जिहड़ी भी जेसीपी लगियां ने सफाई ठीक ढंग की नहीं आवे दी, और फार्मर उहदे नाल मतलब कि परेशान रहिंदा है। तो मैं इहो अनुरोध करना चाहांगा कि सफाई ठीक ढंग की होनी चाहिए है, ताकि फार्मर तक पानी पहुँच जाए। जो नहरों की जिन नहरों की सफाई जो है इन दिनों की जा रही है, सिंचाई विभाग द्वारा सफाई करवाई जा रही है, और जेसीबी मशीनों से ठेकेदार जो है वो सफाई कर रहे हैं, ना तो सही तरीके से नहरों से मिट्टी निकाली जा रही है, ना मलबा निकाला जा रहा है, और ना गंदगी निकाली जा रही है, सिर्फ सफाई के नाम पर जो है वो खाना पूर्ति की जा रही है। और जो किसान हैं उन्होंने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जो है मनोज सिन्हा उनका और जिला प्रशासन का व सिंचाई विभाग के आला अधिकारियों का ध्यान इस ओर दिलाया है कि नहरों की सफाई जो है वो सही तरीके से की जाए। और अगर बात करें तो प्रशासनिक अधिकारी जो है वो भी सब जानते हैं कि क्या हालत है नहरों की, और सफाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति जो है वो की जाती है। और जो इस बार हालांकि नहरों की सफाई जो है समय पर शुरू हुई है, लेकिन सफाई जो है वो सही तरीके से नहीं हो पा रही, और किसानों में इस बात को लेकर रोष भी है। किसानों ने प्रशासन का, सिंचाई विभाग के आला अधिकारियों का और ऊपर राज्यपाल मनोज सिन्हा का ध्यान इस ओर दिलाते हुए नहरों की सफाई जो है वो सही तरीके से करवाने की मांग की है। मुझे और मेरे सहयोगियों को दीजिए इजाज़त, और देखते रहिए दंग स्टेट समाचार।